बिना किसी लैपटॉप के सीपीयू की मेमोरी को क्लियर करना है, उसके लिए सबसे पहले हम इस कवर को ओपन करेंगे। यहाँ भी आप स्टेटस देख पा रहे हैं, इसके अंदर आईओ बस ओके है क्योंकि इसके साथ जो आईओ चल रहे हैं वो ओके है और ये रन में है और इसके अलावा ये ओके है। तो अभी इसके अंदर प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम को क्लियर करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि हमको इसके मेमोरी कार्ड को, ये एसडी कार्ड है, इसको हमें निकालना होगा। इसको निकालने से पहले हमको एक बार पावर को ऑफ करना होगा, तो सबसे पहले पावर को ऑफ कर देते हैं। एक बार पावर को ऑफ कर दिया और साथ ही साथ इसके एसडी कार्ड को बाहर निकालेंगे। ये बाहर आ गया, एक बार प्रेस करेंगे बाहर आ जाएगा। ये हमने एसडी कार्ड इधर कर दिया। अब इसको एक बार पावर ऑन करने से पहले हमें इस रिसेट पुश बटन, ये रिसेट इसके अंदर एक पुश बटन है, इस होल के अंदर आप देख पा रहे होंगे, इसको हम प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद हम पावर को ऑन करेंगे। पावर ऑन करो, इस होल को आप दिखाएं थोड़ा सा, मैं जो पिन जहां डाल रहा हूं उस होल को दिखा पाएंगे। इसको प्रेस करके रखना है, ये थोड़ा टाइम लेगा और जैसे ये कंट्रोलर रेडी होगा सब कुछ चेक करके तो मेमोरी इरेज हो चुकी होगी, उसका आईओ बस भी गायब हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर आईओ बस आपकी ऑफ हो गई है, यानी कि इसका प्रोग्राम जो है वो इरेज हो चुका है। प्रोग्राम इरेज हो चुका है, इसकी आईओ बस भी चली गई है यानी कि ऑफ हो गई, अब इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम बिना किसी लैपटॉप के अपने कंट्रोलर की मेमोरी को इरेज कर सकते हैं।